जय हिंद। चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे जिसमें एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोग एसिड एमाइड के बारे में जानकारी लिए थे। एसिड डेरिवेटिव का 4 डेरिवेटिव था, जिसमें पहला एसिड क्लोराइड, उसके बाद एस्टर, फिर एसिड एमाइड, और आज हम लोग एसिड एनहाइड्राइड के बारे में करेंगे। तो एसिड एनहाइड्राइड 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल एसिड एनहाइड्राइड और एक मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। चलिए यहाँ पे मैं टॉपिक को लिखता हूँ। चौथा हमारे पास डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव में एसिड एनहाइड्राइड, है ना, एसिड एनहाइड्राइड। चलिए एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड 2 प्रकार का मिलेगा। एक का मिलेगा हम लोगों को सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, और एक मिलेगा हम लोग को मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग सिंपल एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बात करेंगे। ये बनता कैसे है, इसको हम लोग कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, इस सब के बारे में जानकारी है। तो सिंपल एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल लेना है, दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी को हम लोग एक मोल और ले लें, सी डबल बॉन्ड ओ एच आर। ठीक है, एसिड एसिड कितना मोल हुआ, 2 मोल, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। यहां से वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एसिड एनहाइड्राइड को रिमान करेगा। तो यहां से OH, तो यहां से H ले लेंगे। अगर यहां से OH लेते हैं तो यहां से क्या लेंगे, H लेंगे, मतलब H2O निकालना है। पानी निकालने तो सब कोई जानता है भाई, जैसे भी पानी निकाले, यहां से निकालिए, यहां से निकालिए। चलिए तो यहां से OH निकालो, यहां से H निकाल दो, H2O निकल जाएगा। तो ये पूरा पार्ट इसके साथ आके जुड़ेगा, बोलो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा पार्ट इसके आके आके जुड़ेगा O C डबल बॉन्ड O R प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। ये जो हमारा एसिड एनहाइड्राइड बना उसको बोलेंगे सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड। अब अगर एसिड एनहाइड्राइड का आपसे पूछा जाए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में यहां से हम लोग जानकारी दे सकते हैं। क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों अल्काइल को सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी बात जो आएगा उसको हम लोग इसका फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो बोलिए क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, या इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूला में सी ओ ओ सी ओ, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप हुआ। अगर जीएमएफ की बात किया जाए, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात किया जाए, तो क्या करेंगे, यही सेम चीज डिक्टो वही चीज उतर जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, जहां पे आर, ये दोनों आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। बात समझ आ रही है, तो पहली बात तो ये समझना होगा हम लोग को कि सिंपल एसिड एनहाइड्राइड बन कैसे रहा है। तो सिंपल एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों सेम कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, यू बोला जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल चाहिए, तब हम लोग का सिंपल एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। अब यहाँ पे आर और ये आर आर दोनों अल्काइल ग्रुप बराबर होगा, सेम होगा। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ जाएगा तो उस समय वो मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड बनेगा, मतलब दोनों एसिड अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे इसमें ये जानकारी लिए कि सिंपल एसिड एनहाइड्राइड बना कैसे, एसिड का 2 मोल्स मिलने से, और फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब इसी सिंपल एसिड एनहाइड्राइड का हम लोग नेमिंग सीखेंगे। बेसिकली तो हम लोग को नेमिंग कमांड करना है भाई, तो नेमिंग कैसे लिखा जाएगा सिंपल एसिड एनहाइड्राइड का, हम लोग सबसे पहला बात करेंगे कौन सा नेम, तो कॉमन नेम। ठीक है, चलिए कॉमन नेम की तरफ आगे हम लोग। तो नाम लिखने का तरीका क्या है कि नेम ऑफ एसिड में, नेम ऑफ एसिड में सिर्फ हम लोग को एसिड पार्ट को हटाना है और लास्ट में जोड़ देना है एनहाइड्राइड। क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, नेम ऑफ एसिड में क्या हटाएंगे, एसिड को, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एनहाइड्राइड। ठीक,
चलो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड PAR है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपको टेंशन लेने की कोनो बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, तुरंत आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई बस केवल क्वेश्चन को अच्छे से उतार ले वरना बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। चलो ये तीन एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहला बात कि हमारा जो ये क्वेश्चन मिला है पहले आप चेक कर लो कि कौन सा एनहाइड्राइड है, सिंपल एसिड एनहाइड्राइड है कि मिक्स्ड है, पहला काम तो यही है। तो कैसे चेक करेंगे कि सिंपल एसिड एनहाइड्राइड है कि मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो चेक करने का एक सिंपल तरीका क्या करना है कि ये ऑक्सीजन आपको दिख रही है, तो ये ऑक्सीजन के दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों कार्बन की संख्या काउंट करिए, अगर कार्बन की संख्या दोनों साइड बराबर होगा तब कहलाएगा सिंपल एसिड एनहाइड्राइड, और अगर दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर नहीं है तब वो कहलाएगा मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। फिर से सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जो बीच में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड आप कार्बन को गिनिए, गिनने के बाद अगर दोनों साइड कार्बन सेम सेम आ जाएगा तब हम लोग बोलेंगे सिंपल, अन्यथा उसको क्या बोलेंगे मिक्स्ड, ठीक है। चलो जैसे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन लेफ्ट साइड एक कार्बन राइट साइड भी कितना एक कार्बन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दो कार्बन दो कार्बन, देखिए तो सबसे सेम आ रहा है, इधर चार कार्बन इधर भी क्या चार कार्बन, मतलब सेम है। तो कोई एक तरफ वाला आपको काम करना है, चलिए कोई एक तरफ चाहे राइट लेफ्ट दोनों गिन नहीं लेना, ऐसा नहीं इधर कार्बन एक इधर कार्बन एक तो हम लोग दो कार्बन बोल देंगे, नहीं एक ही तरफ चाहे तो लेफ्ट वाला लीजिए या फिर राइट वाला लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ तो कार्बन की संख्या सेम है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग लेफ्ट वाले तरफ लेते हैं कितना कार्बन है एक, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या था नेमोप एसिड, तो आपको बताया था एक कार्बन वाले का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता था फॉर्मिक एसिड होता था, उसमें से क्या हटाना है बोलिए, एसिड को हटा करके क्या जोड़ेंगे एनहाइड्राइड। चलो भाई मेरा काम तो आसान है, एसिड को हटा करके हमने क्या जोड़ दिया एनहाइड्राइड, क्या नाम हो गया फॉर्मिक एनहाइड्राइड, दिक्कत बेटा दिक्कत तो हुआ होगा। चल फिर से देख बीच नीचे वाला देख क्या है, बोल सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखा, बोलो लेफ्ट साइड कितना कार्बन दो राइट साइड भी कितना कार्बन दो, मतलब सिंपल है। अब कोई एक तरफ आप कार्बन लीजिए कोई एक तरफ, चलो मैं इधर लिया कितना कार्बन है दो, तो बता दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या था, आपको बताया गया था क्या नाम था एसिटिक एसिड, बात समझ पा रही है, तीन वाले का था प्रोपियोनिक एसिड, चार वाले का था ब्यूटेरिक एसिड, पांच वाले का था वैलेरिक एसिड, छह वाले का था कैप्रोइक एसिड, आपको बताया गया। क्या करना है एसिड को हटा करके क्या जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, चलो एसिड को हटा करके हमने क्या जोड़ रखा यहाँ पे बोलो तो एनहाइड्राइड, नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर हो रहा। चलिए नीचे वाला देखिए, बीच में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन राइट साइड लेफ्ट साइड चार कार्बन राइट साइड भी चार कार्बन, सिंपल सिंपल है दोनों तरफ सेम हो गया, बोलो चार कार्बन वाले का नाम था ब्यूटेरिक एसिड, क्या नाम था भाई ब्यूटेरिक एसिड, एसिड को हटा करके हम क्या जोड़ते हैं बोलो एनहाइड्राइड, तो बोलो भाई नाम क्या हो गया ब्यूटेरिक एनहाइड्राइड, बात समझ आ रहा है। तो सिंपल जो कोई एक तरफ आप कार्बन लीजिए उसका नेम ऑफ एसिड में कॉमन नेम लिखिए, उसमें से एसिड को हटा करके क्या जोड़ दीजिए एनहाइड्राइड, हो गया। चलो ये था कॉमन नेम, अब सिंपल एसिड एनहाइड्राइड का ही हम लोग बात करेंगे कौन सा आईपीएसी नेम, ठीक है। आईपीएसी नेम भी बहुत आसान है, देखो अभी चुटकी में हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे वो देखना, हाँ क्या करेंगे बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी नेम लिखने का क्या तरीका था, अल्केनोइक एसिड, उसमें से एसिड को हटा करके क्या जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, जो रिजल्टेंट आएगा मैं यहां पे इसको लिखता हूं, ठीक है, रिजल्टेंट द्वारा इसको कहां लिख रहे हैं नीचे अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड बस ये वाला याद रख ले मुन्ना अल्केनोइक एनहाइड्राइड, बस देख अब कितना काम आसान है मेरा तो इसी में हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है
क्या बोल रहे हैं, आईपीसी नेम लिखने का क्या तरीका आ रहा है, अल्केनोइक एसिड में किसको हटाना है, एसिड को, और क्या जोड़ना है, एनहाइड्राइड को, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट जो आएगा किसके रूप में लिखना है, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, बस इसको इसको याद रखना, अल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। चल देख दोनों तरफ सेम होगा, वही चीज वही एग्जाम्पल है। चलो अब बताना, कोई एक तरफ लीजिए कार्बन, कार्बन कितना आ रहा है, एक, तो एक कार्बन को अल्केनोइक में क्या बोलेंगे, मिथेनोइक, दो वाले इथेनोइक, तीन वाले प्रोपेनोइक, चार वाले ब्यूटेनोइक, पांच वाले पेंटेनोइक, छह वाले हेक्सेनोइक, चलते रहेगा, ऑक्टेनोइक, डेकेनोइक चलेगा। चलो बताओ कितना कार्बन, एक, तो एक कार्बन को अल्केनोइक में क्या बोलेंगे बताइए, मिथेनोइक, और लास्ट में बिंदास तरीके से जोड़िए, एनहाइड्राइड, ठीक है। चलिए इसमें बताओ, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, चलो बताओ दो कार्बन है तो दो कार्बन वाले को अल्केनोइक में क्या बोलेंगे, बोलो, इथेनोइक, और लास्ट में आपको क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड, बात समझ पा रही है। तीन कार्बन, सॉरी इधर कितना कार्बन आ रहा है, चार, इधर भी चार, को एक तरफ ले लो, चलो चार कार्बन, तो चार कार्बन को अल्केनोइक में क्या बोलेंगे बताओ, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, और है क्लियर। अगर मान लेते विद्यार्थी मेरे पास छह छह कार्बन दोनों साइड रहता तब छह वाले का नाम क्या लिखते, हेक्सेनोइक, लास्ट में एनहाइड्राइड, आठ आठ कार्बन रहता तब ऑक्टेनोइक एनहाइड्राइड, दस दस कार्बन रहता तब डेकेनोइक एनहाइड्राइड, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। तो सिंपल एसिड एनहाइड्राइड का आईपीसी नेम लिखने का क्या तरीका हुआ, अल्केनोइक एसिड में से एसिड को हटा करके क्या जोड़ दिए, एनहाइड्राइड, और जो रिजल्टेंट आया इसको क्या बोल रहे हैं, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो आराम से आप काम कर सकते हैं, इसमें सिंपल को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रांच आएगा तो ब्रांच का नाम लोग पहले लिख देंगे, ब्रांच का नाम पहले, फिर जैसा हम पीछे काम करते थे वैसा ही होगा सेम तरीके से। चलो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोमेनक्लेचर करते जाएं, ठीक है। ये था सिंपल, अब हम लोग बात करेंगे एसिड एनहाइड्राइड का ही, अब मिक्स वाला, ठीक है। तो देखते हैं मिक्स का क्या कहानी है भाई, मिक्स का भी कुछ अपना कहानी होगा। बी नंबर, मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो तो मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, तो एसिड यहां पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो लेंगे वो दो मोल तो लेना ही, दो अलग अलग लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं एसिड वन, और इसको बोल देते हैं एसिड टू। एसिड वन एसिड टू क्यों बोले, तो यहां पे देखो R है, यहां पे क्या है R डैश, ये दोनों अल्काइल ग्रुप यहां पे अलग अलग होगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है, R और R डैश अलग अलग है। चलिए फिर से पानी निकालना है, पानी निकालने तो सबको जान रहा है भाई, चलो OH यहां से H, तो यहां से OH, तो यहां से H, कहीं से भी आप कर सकते हैं काम। चलिए ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश प्लस बाहर निकल जाएगा H2O। ये जो बना इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। फिर से अगर फंक्शनल ग्रुप की बात किया जाए तो फंक्शनल ग्रुप तो वही होगा C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, जेंडर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये पूरा लिख देंगे। बस यहां पे ध्यान रखने वाली बात एक ही है, वो क्या है कि दोनों अल्काइल ग्रुप यहाँ पे R और R डैश अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये दोनों कभी अल्काइल ग्रुप बराबर नहीं होगा। चलिए तो अब इसी मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग कैसे लिखा जाएगा, फिर से इसका दो नाम हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पहला बात करते हैं कौन सा नेम, तो भाई कॉमन नेम की चर्चा करेंगे, कॉमन नेम कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई दोनों एसिड अलग अलग था, मतलब दोनों एसिड का अलग अलग नाम लिखा जाएगा, ठीक है। चलो तो फॉर्मेट में यहां पे लिख रहा हूं, पहले इसको आप अच्छे से ध्यान देना, नेम ऑफ एसिड वन, एक एसिड वन होगा उसमें से आपको एसिड हटाना है, फिर नेम ऑफ एसिड टू, दूसरा एसिड का नाम लिखेंगे उसमें से भी हम लोग एसिड पार्ट को हटा देंगे, और लास्ट में जाकर के एनहाइड्राइड को जोड़ेंगे, ध्यान देंगे, बस ये वाला फॉर्मेट याद रखिए, आगे काम आसानी से होगा। क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग एसिड था तो नेम ऑफ एसिड वन, उसमें से एसिड को हटाएंगे,
नेमोफेसिड टू, उसमें से भी एसिड को हटाएंगे और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एनहाइड्राइड। तो ध्यान रखो हम लोग कौन सा नाम लिख रहे हैं, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम वाला फॉर्मिक एसिडिक प्रोपियन प्रोपियोनिक ब्यूटेरिक वैलेरिक यही वाला चलेगा। अब बात आती है सर कि दो एसिड तो है, तो दोनों एसिड में किसका नाम पहले लिखे, तो वही रूल है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। चलो भाई देखो एग्जाम्पल से देखो, फार फार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट रहा मतलब नहीं सीखे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 3 times लगा देता हूँ, C double bond O, और यहाँ पे लगा देता हूँ CH2CH, है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो इसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो अलग अलग एसिड पहचानो, पहले बताओ ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, हाँ। अब बताओ लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या 1, राइट साइड कार्बन की संख्या 2, बताओ अलग अलग आया, तो अलग अलग मतलब कि ये मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड है। तो अलग अलग एसिड का नाम भी लिखा जाएगा, बोलो एक कार्बन के एसिड का नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड, दो वाले का नाम क्या था, एसिटिक एसिड। क्लियर हो रहा, तो एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उसमें से पहला नाम किसका लिखेंगे, तो एबीसीडी में जिसका पहले नाम पहले आए, अल्फाबेटिकल में जिसका पहले आएगा तो एसिटिक पहले आएगा। तो बोलो क्या करेंगे, एसिटिक एसिड उसमें से क्या हटाना है, बोलो एसिड को, एक कार्बन वाले का नेमोफेसिड टू, तो बोलो फॉर्मिक एसिड था तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो फॉर्मिक एसिड, उसमें से एसिड को हटा दिए और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, एनहाइड्राइड। समझ में आया कि नहीं आया, एसिटिक फॉर्मिक, एसिटिक क्यों लिखे, तो ये इस दो कार्बन के लिए, फॉर्मिक क्यों लिखे, इस एक कार्बन के लिए, और लास्ट में क्या जोड़ दिए, एनहाइड्राइड। क्लियर नहीं समझा, फिर से चलो इधर कार्बन काउंट करो 3, राइट साइड कार्बन काउंट करो 2, बताओ 3 कार्बन वाले का नाम प्रोपियोनिक, 4 वाले का नाम एसिटिक, तो पहला नाम किसका लिखा जाएगा, एसिटिक का, तो बोलो क्या लिखेंगे, एसिटिक, उसमें से एसिड हट गया। 3 कार्बन वाले का नाम क्या था, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक, उसमें से भी एसिड हट जाएगा और लास्ट में हम लोग जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। क्लियर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे विशेष ध्यान देना है। चलिए अब जैसे नीचे भी आप देख सकते हैं, देखो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इधर कार्बन काउंट कर लो भाई 1, 3, 4 और 1, 5, यहां काउंट करिए 1, 2, 3, बोलिए 3 वाले का नाम तो अभी लिखे थे प्रोपियोनिक एसिड, 5 वाले का नाम क्या होता है, वैलेरिक एसिड, तो पहले भी आएगा कि पहले पी आएगा, प्रोपियोनिक आएगा। चलो भाई तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड, उसमें से एसिड हटा दीजिए, 5 वाले का नाम था वैलेरिक एसिड, उसमें से भी एसिड हटाइए तो क्या हो जाएगा, वैलेरिक, और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, एनहाइड्राइड। बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्या करेंगे फिर से, दो अलग अलग एसिड आएगा तो दोनों एसिड का नाम लिखना है, उसमें एसिड 1 एसिड 2 करके हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और दोनों से एसिड एसिड को हटा करके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पे हमने एसिटिक लिखा 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए फॉर्मिक और लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ दिया। अंतिम वाले क्वेश्चन में 5 कार्बन था तो वैलेरिक, 3 वाले था तो प्रोपियोनिक, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किए, प्रोपियोनिक वैलेरिक और लास्ट में क्या जोड़ दिया, एनहाइड्राइड। क्लियर, चलो अब इसी में कॉमन नेम तो हो गया कॉन्सेप्ट मिक्स्ड का, क्लियर। अब थोड़ा सा इसी का हम लोग आईपीसी नेम भी देख लें, आईपीसी नेम का फंडा क्या है, कहानी क्या है। चलो आईपीसी नेम, हाँ ध्यान देंगे, आईपीसी नेम लिखने का जो तरीका होगा, दो अलग अलग एसिड फिर था, बोलो अल्केनोइक एसिड 1, उसमें से एसिड हटाइए, फिर अल्केनोइक एसिड 2, अल्केनोइक एसिड 2, उसमें से फिर एसिड हटाइए और लास्ट में जाकर के क्या जोड़ दीजिए, एनहाइड्राइड। एसिड 1 एसिड 2 नहीं हुआ, अल्केनोइक 2 कर दो, अल्केनोइक 1 कर दो, ताकि हम लोग को यहाँ रिजल्ट लिखने में सुविधा होगा। बोलो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग अल्केनोइक 1
अल्केनोइक टू और लास्ट में ऐड करेंगे एनहाइड्राइड। अल्केनोइक वन अल्केनोइक टू ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेगा। चलिए फिर से वही से वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखें क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए बीच में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर कार्बन की संख्या एक, इधर कार्बन की संख्या दो, तो बोलो दो वाले को अल्केनोइक में क्या बोलेंगे इथेनोइक, एक वाले को क्या बोलेंगे मिथेनोइक। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्केनोइक वन अल्केनोइक टू, बोलो दो कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलने वाले हैं इथेनोइक, एक कार्बन वाले को क्या बोलने वाले हैं मिथेनोइक, और अंतिम में जाके जुटेगा एनहाइड्राइड। क्लियर यहां देख लो, चलो बीच में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इधर बताओ कार्बन की संख्या तीन, इधर दो, दो वाले को इथेनोइक, तीन वाले को प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक और लास्ट में जाकर के क्या जोड़ेंगे एनहाइड्राइड। इसमें देखिए बोलो इधर पांच कार्बन तो पेंटेनोइक, इधर तीन कार्बन तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक। ठीक है तो पेंटेनोइक PE, प्रोपेनोइक PR, बोलो पहले स्टार्ट PP तो सेम हो गया, तो पेंटेनोइक में E पहले आएगा तब आ जाएगा, आगे चलेंगे प्रोपेनोइक, बोलो क्या हो जाएगा पेंटेनोइक फिर प्रोपेनोइक और लास्ट में जाकर के हम लोग क्या जोड़ देंगे एनहाइड्राइड। तो सिंपल है, हम लोग वैसा ही नाम लिखेंगे जैसे हम लोग पीछे नाम लिखे थे, यहाँ पे दो एसिड है एल्केनोइक वन एल्केनोइक टू और लास्ट में क्या जोड़ेंगे एनहाइड्राइड। हो गया तो एसिड एनहाइड्राइड दो था सिंपल और मिक्स, सिंपल में नाम लिखने का तरीका अल्केनोइक एनहाइड्राइड और मिक्स में नाम लिखने का तरीका अल्केनोइक वन अल्केनोइक टू और लास्ट में क्या जोड़ दिए एनहाइड्राइड। तो आशा करता हूं कि ये पूरा आपको एसिड एनहाइड्राइड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी बात क्वेश्चन एसिड एनहाइड्राइड से सारा रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए, दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। ठीक है बाकी बात वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।